एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू ऑन लोकसभा एंड राज्यसभा। जैसे कि आपको पता है, हमारा जो पार्लियामेंट है वो तीन बॉडी से मिलके बना है, जो कि आपको आर्टिकल 79, 80 और 81 में देखने को मिलते हैं। और हम सरल के ज़रिए इसको याद रख सकते हैं। 79 में आपको पार्लियामेंट मिलेगा, 80 में आपको राज्यसभा मिलेगी और 81 में आपको लोकसभा मिलेगी। तो यहाँ पे हमारी जो पार्लियामेंट होती है वो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। तो इसके पुराने वीडियो में, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते थे वो सारे कवर किए हैं। नहीं देखा है तो परचम की आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे। आज हम मेनली डिस्कस करेंगे लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में। आज हमें बात करनी है कि उनका टेन्योर क्या होता है, उन लोकसभा और राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा लोकसभा की डिफरेंट जो कमिटीज़ होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन भी रखा गया है, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में देना है। रही बात PDF की, तो परचम के वेबसाइट पर आपको क्लास का PDF मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए, क्योंकि अगर आप अपने हाथों से नोट्स बनाते तो लंबे समय तक आपको याद रहता है और रिकॉल करने में, रिवाइज करने में भी आपको आसानी होती है। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि हैंड रिटन नोट्स आप प्रिपेयर कर सकें, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वेबसाइट पे तो आपको PDF मिल जाएगी। सो फटाफट लिंक को एक बार शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। जो लोग भी यहाँ पर RRB, NTPC, SSC, रेलवे ग्रुप डी या कोई भी वनडे एग्ज़ाम, इनफैक्ट PSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी वो इस वीडियो के ज़रिए अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं। आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं MCQ ऑन लोकसभा एंड राज्यसभा। पहला क्वेश्चन है, बड़े आसान सा क्वेश्चन है पहला। धीरे धीरे क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा, तो इजी टू मॉडरेट एंड टफ क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ फॉर होल्डिंग ऑफिस इन लोकसभा? लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि सबसे ऊपर की जो पोजीशन होती है, मतलब जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट के अलावा अगर आप बात करते गवर्नर के बारे में, तो इनके लिए एज 35 ईयर्स होती है। वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करते तो राज्यसभा के लिए 30 साल होती है और लोकसभा के लिए जो मिनिमम एज होती है वो 25 ईयर्स होती है। वहीं अगर हम सरपंच के चुनाव या पंचायतों के चुनाव पर बात करते तो वहाँ पर आपको मिनिमम एज 21 देखने को मिलेगी। यहाँ पर पूछा गया है कि लोकसभा के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 25 ईयर्स। ठीक है ना, 25 ईयर्स इज़ द राइट आंसर। हमें पता है लोकसभा जो है वो लोअर हाउस कहलाता है, वहाँ पे मिनिमम एज 25 है। राज्यसभा अपर हाउस कहलाता है और उसके लिए जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया है वो 30 ईयर्स है। आइए कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, इसे हम जनता का सदन कहते हैं, क्योंकि लोकसभा में जो MPs होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको हम सांसद भी बोलते हैं, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। हर 5 साल में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं जिसमें हम और आप जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वोट डालकर आते हैं। हर एक वोट की वैल्यू 1 काउंट की जाती है। जैसे कि हमने देखा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में MP की वोट वैल्यू अलग है, MLA की वोट वैल्यू अलग है, लेकिन नहीं, लोकसभा के इलेक्शन में हर एक कैंडिडेट की जो वोट वैल्यू होती है वो 1 होती है। चाहे प्रेसिडेंट वोट डाले तो भी वोट वैल्यू 1 काउंट होगी, या हम और आप भी वोट डालें तो हमारी भी वोट वैल्यू 1 काउंट होगी। तो लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। पहली जो लोकसभा बनी थी वो 17 अप्रैल 1952 को बनी थी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश में पहले जो जनरल इलेक्शन हुए थे वो 1951 से 52 के बीच में हुए थे, और पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 में किया गया था। तो लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल है, इसमें जनता के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए लोग जाते हैं। आर्टिकल 81 जो है वो कंपोजिशन ऑफ लोकसभा से डील करता है। लोकसभा में मैक्सिमम जो सीट होती है 542 होती है, लेकिन वर्तमान में भारत में 545 सीट्स है। 530 सीट्स जो होती है वो स्टेट के लिए होती हैं, 20 सीट्स जो होती है वो UT के लिए होती है, और 2 सीट्स जो होती थी वो एंग्लो इंडियन के लिए होती थी। 2 व्यक्तियों को, एंग्लो इंडियन जो होते हैं उनको नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन रिसेंटली हमने अमेंडमेंट करके ये एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता था, इसको हमने रिमूव कर लिया। लेकिन फिर भी फिलहाल आपको कितना याद रखना है कि मैक्सिमम सीट 552 होती हैं, प्रेजेंट पे 545 सीट्स हैं, 530 सीट जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, 20 सीट UT के लिए होती हैं, और 2 जो है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए होती हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए जो सीट का प्रोविज़न है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 331 में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन रिसेंटली 126 अमेंडमेंट बिल के जरिए हमने पार्लियामेंट में इस बिल को पास करके एंग्लो इंडिया के जो नॉमिनेशन है, एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन है, इसको हमने हटा दिया है। आइए अब हम लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, जो कि आर्टिकल 84 में आपको मेंशन मिलेगी। कोई भी व्यक्ति
जो भारत का नागरिक होता है वो लोकसभा का मेंबर बन सकता है, बस मिनिमम एज 25 इयर्स होनी चाहिए, अनसाउंड माइंड मतलब पागल नहीं होना चाहिए, बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और बाकी जो भी कानून पार्लियामेंट बनाती है उन सारे क्वालिफिकेशन को फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। तो 84 जो है वो क्वालिफिकेशन से डील करता है लोकसभा की। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सेशन ऑफ द लोकसभा टेक प्लेस इन ईयर, एक साल में लोकसभा के कितने सेशन होते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये बात लिखी है कि दो सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, मतलब अगर 6-6 महीने के अंतर से भी सेशन होते हैं तो पूरे साल में 2 सेशन होंगे, क्लियर है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये बात नहीं लिखी है कि कितने सेशन होने चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल इतनी बात लिखी है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत में लोकसभा के टोटल 3 सेशन होते हैं, लोकसभा के कितने सेशन होते हैं भारत में, 3 सेशन होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोकसभा के तीनों सेशन के बारे में और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 79 से लेके 122 में आपको पार्लियामेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो कि पार्ट 5 का हिस्सा है। यहाँ पर आपको पार्लियामेंट के कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर, प्रोसीजर्स, पावर ऑफ पार्लियामेंट सभी इन्फॉर्मेशन आपको आर्टिकल 79 से 122 के बीच में मिलेंगी। करंट अगर स्ट्रेंथ बात करते हैं लोकसभा की 543 है, जिनमें से 530 स्टेट्स की है और 13 जो है यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। पूछा है कि इनमें से कौन सा सेशन लोकसभा का नहीं है, तो देखिए जैसे कि मैंने कहा कि लोकसभा में 3 सेशन होते हैं, एक होता है बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, समर सेशन जैसा कोई भी सेशन लोकसभा में नहीं होता, तो ऑप्शन सी बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। सेशंस की बात करते हैं तो इंडिया डज नॉट हैव अ फिक्स पार्लियामेंट्री कैलेंडर, लेकिन यहाँ पर हमारे देश में 3 सेशन होते हैं, एक बजट सेशन होता है जो कि लॉन्गेस्ट सेशन होता है। बजट सेशन जो है स्टार्ट होता है एंड ऑफ जनवरी, क्योंकि आपको पता है कि फरवरी फर्स्ट वीक में जो है वो बजट पेश किया जाता है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण या जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालते हैं उनके द्वारा बजट को पेश किया जाता है। तो एंड ऑफ जनवरी से एंड ऑफ अप्रैल तक जो है बजट सेशन चलता है, जो कि लॉन्गेस्ट सेशन होता है हमारे पार्लियामेंट का या लोकसभा का। अगर हम मानसून सेशन की बात करते हैं तो यह सेकेंड सेशन होता है, देखिएगा मानसून सेशन अभी 18 जुलाई से शुरू होने वाला है, 18 जुलाई से इसकी शुरुआत होने वाली है, तो जुलाई में शुरू होता है, अगस्त में ख़त्म होता है। और विंटर सेशन जो है वो थर्ड सेशन होता है, नवंबर और दिसंबर में जो है विंटर सेशन लगता है। तो सबसे बड़ा सेशन कौन सा हो गया है, बजट सेशन सबसे बड़ा सेशन होता है। तो कितने सेशन हो गए हैं, 3 सेशन है, सबसे पहला कौन सा है, बजट सेशन होता है, सबसे बड़ा भी बजट सेशन होता है, फिर मानसून और विंटर सेशन आपको देखने को मिलेंगे। 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अगली बात करते हैं, अब सेशन चल रहा है लोकसभा का, अब जैसे कि आप लोगों ने कोर्ट वगैरह में देखा होगा, वकील बैठते हैं, जज बैठता है और जज कहता है कि आज के लिए हम जो भी कार्रवाई है उसको एडजर्न करते हैं, है ना, ऐसी आप लोग ने बातें सुनी होगी। तो हम एडजर्नमेंट की बातें कर लेते हैं कि एडजर्नमेंट क्या होता है। जैसे कि कोर्ट में हियरिंग होती है और उसको कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए, वीक के लिए, हफ्ते के लिए, कुछ डेज के लिए अगर उसको सस्पेंड करना हो तो वहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाता है एडजर्न। वैसे ही लोकसभा का जब सेशन चल रहा होता है तो जो लोकसभा स्पीकर के पास राइट्स होते हैं कि वो बोल देता है कि 1 घंटे बाद हम सेशन को शुरू करेंगे, 2 हफ्ते बाद या अगले दिन, अगले महीने, मतलब एक लिमिटेड टाइम पीरियड को वो बताते हुए सेशन को ख़त्म करता है, तो उसको एडजर्न कहते हैं। लेकिन जब लोकसभा स्पीकर सेशन को टर्मिनेट कर दे और कोई भी टाइम पीरियड या कोई भी फिक्स डेट नहीं बताएगा कि नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, उसने बोल दिया एडजर्न, अब ये नहीं बताया कि अगला सेशन कब होगा या क्या नहीं, तो उसको एडजर्नमेंट साइन डाइन के नाम से जानते हैं, साइन डाई। तो साइन डाई का मतलब आपको समझ में आया कि फिक्स्ड मीटिंग का टाइम अनाउंस किए बिना ही मीटिंग को ख़त्म कर देना, टर्मिनेट करना, साइन डाइन कहलाता है, साइन डाइन कहलाता है, ठीक है। और जो चेयरमैन या स्पीकर होते हैं लोकसभा के और चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, उनके पास पावर होती है साइन डाई या फिर एडजर्न करने की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेम डक सेशन। अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि इस बार मान लेते हैं कि लोकसभा के इलेक्शन होने हैं, तो इलेक्शन होने के बाद नए एमपी चुन के लोकसभा में आएंगे, तो जो एग्जिस्टिंग लोकसभा मेंबर हैं, हो सकता है उनमें से कई सारे मेंबर ऐसे हो जो वापस चुन के ना आए, तो उनका लास्ट सेशन होगा ये। तो जब इलेक्शन होने से पहले जो लास्ट सेशन होता है लोकसभा का, उसको ही हम लेम डक सेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो 5 साल के लिए होता है, हर 5 साल में इलेक्शन करा देने चाहिए, लेकिन कैबिनेट मतलब प्रेसिडेंट के कहने पर, जब प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो लोकसभा का जो सेशन है या लोकसभा जो है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है 5 साल होने से पहले, बट द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिसॉल्व इट बिफोर द एक्सपायर ऑफ द
ऑफ 5 ईयर्स, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी की कंडीशन है, आर्टिकल 352 आपको मैंने सिखाया है, 356 भी सिखाया और 360 भी आपको बताया है, इमरजेंसी के केस में जो है वो लोकसभा का सेशन जो है या टेन्योर है वो कुछ समय के लिए 1 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। इन केस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी इट्स टर्म कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ 1 ईयर एट अ टाइम, बट इट विल नॉट एक्सीड 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी इज ओवर। लेकिन 6 महीने अगर इमरजेंसी ओवर हो गई है तो 6 मंथ से ज़्यादा इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, द बजट इज़ ऑल्सो नोन एज। अब देखिए, हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द कहीं नहीं मिलता। बजट के लिए एक शब्द देखने को मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल 112 में आपको बजट मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और बजट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है, उनके द्वारा बजट तैयार किया जाता है। अगली बात करते हैं, हु डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। अब कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इस बात को डिसाइड कौन करता है? तो मनी बिल को डिसाइड करने का काम लोकसभा स्पीकर करता है। अभी वर्तमान में हमारे लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी हैं। लोकसभा स्पीकर के पास कई सारी पावर होती हैं, किसी व्यक्ति पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगना है या नहीं, ये बात भी लोकसभा स्पीकर डिसाइड करते हैं। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये बात भी लोकसभा स्पीकर डिसाइड करते हैं। कास्टिंग वोट, जो निर्णायक मत होता है ना, कास्टिंग वोट भी लोकसभा का स्पीकर करता है। साथ ही साथ कोरम डिसाइड करना, कोरम डिसाइड करना मतलब जैसे कि पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हुआ है, लोकसभा में मेंबर बैठे हुए हैं, तो वो चेक करता है कि वन टेंथ मेंबर प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो प्रेजेंट है तो वो बोलेगा कि लोकसभा का सेशन शुरू किया जाए। तो कोरम मतलब 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो कोरम चेक करने का अधिकार भी किसके पास होता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास होता है। ऐसे कई सारे पावर्स जो हैं वो लोकसभा स्पीकर के पास होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि फादर ऑफ लोकसभा किसे कहा जाता है? तो जीवी मावलंकर को लोकसभा का फादर कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। जैसे कि कहा हमने कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर पार्लियामेंट बनती है। तो हमने ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ब्रिटेन से लिया है, जिसे हम बेस्ट मिस्टर मॉडल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आर्टिकल नंबर 79 में जैसा कि आपको पता है, स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट को डिफाइन किया गया है। इसमें एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है। अपर हाउस को हम क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, जबकि लोअर हाउस को हम हाउस ऑफ पीपल के नाम से जानते हैं। लेकिन जब हमने 1954 में एक एक्ट पास किया था और इनके हिंदी नेम राज्यसभा और लोकसभा एडॉप्ट कर लिए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस इन। तो जो मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो केवल और केवल लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाता है। जो लोकसभा की रूल बुक है ना, वहाँ पे रूल नंबर 198 मेंशन है और वो कहता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो केवल और केवल लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बात हुई है, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा अंडर द रूल 198। आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टेड रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। इस कोई भी मिनिस्टर को हटाना है या फिर किसी मिनिस्टर को हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए भी नो कॉन्फिडेंस मोशन को 1963 में लेकर आया गया था और जेबी कृपलानी उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर आए थे। नेक्स्ट है द टर्म ऑफ लोकसभा। कितना होता है लोकसभा का टर्म? हमें पता है लोकसभा का टर्म 5 साल का होता है, लेकिन इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी इसको 1 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है और इमरजेंसी हटने के 6 महीने से ज़्यादा इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। तो कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है द मेंबर ऑफ काउंसिल, मतलब राज्यसभा के बारे में बात हो रही है। द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट आर इलेक्टेड बाय। राज्यसभा के चुनाव कैसे होते? तो हमें पता है कि लोकसभा के चुनाव तो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। हमारी अलग अलग स्टेट के जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनके मेंबर चुनके ही राज्यसभा में आते हैं। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, इनके द्वारा ही इलेक्ट होते हैं राज्यसभा के मेंबर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, राज्यसभा को अपर हाउस या सेकेंड चैम्बर या हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। अलग अलग स्टेट और यूटी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ राज्यसभा में होते हैं। राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहते हैं क्योंकि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन हर एक व्यक्ति जो राज्यसभा में है उसका टेन्योर 6 साल का होता है। हर 2 साल में 1/3 व्यक्तियों को रिप्लेस कर दिया जाता है।
राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। इस बात को याद रखिएगा कि राज्यसभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, मतलब वेंकैया नायडू होंगे, लेकिन वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होंगे। इसलिए वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, जबकि राज्यसभा के अदर जो मेंबर होते हैं उनका टेन्योर 6 साल का होता है। राज्यसभा में हर 2 साल पे 1/3 व्यक्तियों का रिप्लेसमेंट होता है, इसलिए राज्यसभा को हम परमानेंट हाउस कहते हैं। इसको कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। अब हर एक स्टेट में पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ पे राज्यसभा की सीट डिफाइन होती है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। तो सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीट भी उत्तर प्रदेश में होंगी। तो किस स्टेट को और यूटी को कितनी राज्यसभा सीट अलॉटेड है, ये बात आपको शेड्यूल नंबर 4 में देखने को मिलेगा। तो शेड्यूल 4 में आपको अलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा देखने को मिलेगी। अगर हम राज्यसभा के कंपोजिशन की बात करते तो राज्यसभा में मैक्सिमम सीट जो है वो 250 हो सकती है। ठीक है, कितनी सीट हो सकती है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 की है। 238 रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट और यूटी को, और 12 व्यक्ति जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। 12 व्यक्तियों का नॉमिनेशन राज्यसभा में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, और 238 जो मेंबर्स होते हैं वो स्टेट और यूटी के होते हैं। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो देखते हैं तो अभी प्रेजेंट में राज्यसभा की सीट कितनी है? 245 सीट्स हैं, जिसमें से 229 मेंबर जो है वो स्टेट और यूटी से चुने गए हैं, और 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं। अगर हम टेन्योर की बात करते हैं तो टेन्योर के बारे में हम बात कर चुके हैं। ऑफिसर की बात करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, लेकिन राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। और राज्यसभा में एक डिप्टी चेयरमैन भी होता है, चेयरमैन की एब्सेंस में डिप्टी चेयरमैन काम करता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन काउंसिल ऑफ स्टेट इज बेस्ड ऑन, तो राज्यसभा की सीट किस हिसाब से डिसाइड होती है? तो अभी हमने देखा था कि उस राज्य की पॉपुलेशन के रेशियो में, तो रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जनसंख्या के आधार पर। और जनसंख्या का जो बेस ईयर माना है फिलहाल के लिए वो 1971 की सेंसिस को माना है। द राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ, तो राज्यसभा में कितनी सीट होती है? हमें पता है 250 सीट होती हैं, जिनमें से 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेंबर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड, तो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं? आंसर हो जाएगा 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, जबकि लोकसभा के जो मेंबर हैं वो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द राज्यसभा, कौन सा स्टेटमेंट राज्यसभा के रिस्पेक्ट में करेक्ट है? तो जैसे हमने देखा कि 1/3 मेंबर जो होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट चाहिए? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एक्ट्रेस टू बी नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा, तो राज्यसभा में नॉमिनेट की जाने वाली पहली एक्ट्रेस कौन सी थी? आंसर हो जाएगा नरगिश दत्त, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा की कौन सी एक्सक्लूसिव पावर है? तो राज्यसभा के पास, देखिए लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है ऑब्वियसली, लेकिन एक एक्सक्लूसिव पावर जो है वो राज्यसभा के पास है, वो क्या है? क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल नंबर 312 में राज्यसभा के पास अधिकार होते हैं क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट, तो जैसे कि आपको पता है हमारे संविधान में जो शेड्यूल नंबर 7 है उसमें आपको 3 लिस्ट देखने को मिलेंगी, कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट है उस पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, स्टेट गवर्नमेंट के सारे सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को होता है, जबकि कॉन्करेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं उस पर कानून स्टेट और सेंट्रल दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर कभी डिस्प्यूट की कंडीशन आती है तो सेंट्रल के कानून को माना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि किस आर्टिकल में ये बात मेंशन है कि स्टेट लिस्ट पे कानून पार्लियामेंट भी बना सकती है, तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 249 में ये बात मेंशन है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप द हिंदू आर्टिकल उठाइएगा 7 जनवरी 2022 का, आपको इसके बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो जो संविधान में क्या होता है, जब पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए उनको बजट दिया जाता है कि आप अपने चुनाव के लिए इतना पैसा खर्च करेंगे, तो क्या यहाँ पे खर्चे की लिमिट है? तो आंसर हो जाएगा मैक्सिमम लिमिट है 95 लाख, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं,
तो पहले ये लिमिट 70 लाख थी, मैक्सिमम लिमिट कितनी थी 70 लाख थी, इसको अभी रिसेंटली एक्सटेंड करके 95 लाख रुपी कर दिया गया है बिगर स्टेट के लिए। तो बड़े बड़े राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, इन सब के लिए एक्सपेंडिचर जो रखा है वो 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दिया है, और जो स्मॉलर स्टेट हैं उनके लिए 54 से 75 लाख कर दिया है। स्मॉलर स्टेट मतलब गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दूसरे यूटीज, लेकिन जम्मू जो यूटी है उसके लिए एक्सपेंडिचर कितना है 95 लाख रुपीज़ है। इसके अलावा अगर हम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, हमारे विधानसभा के इलेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो बिगर स्टेट के लिए 28 से बढ़ाकर 40 लाख रुपीज़ कर दिए हैं, और स्मॉलर स्टेट के लिए 20 से बढ़ाकर 28 लाख रुपीज़ कर दिए हैं। तो ये नया जो एक्सपेंडिचर आया है इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया वाइज, तो कौन सी है लार्जेस्ट? लद्दाख है। एरिया सबसे बड़ा किसका है? लद्दाख का है। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज चूजन बाय, अब स्पीकर किसे बनाया जाता है? तो जैसे कि लोकसभा के इलेक्शन हुए, सभी MP लोकसभा में आए, अब हमें इलेक्शन का क्या, हमें लोकसभा स्पीकर का क्या करना पड़ेगा? इलेक्शन करना पड़ेगा, और उस इलेक्शन को कराने के लिए एक पोटेम स्पीकर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक पोटेम स्पीकर बनाया जाता है जो कि सीनियर मोस्ट व्यक्ति होता है, जो कि उस लोकसभा का बोल देते हैं कि सीनियर मोस्ट व्यक्ति जो है पोटेम स्पीकर बनेगा, और फिर पोटेम स्पीकर द्वारा इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे, और MP जितने भी MPs होते हैं उनके बीच में से ही स्पीकर लोकसभा के चुने जाते हैं। इसमें पूछा है कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज चूजन बाय ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा, पार्लियामेंट नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट में तो राज्यसभा भी आ जाएगी, हमें राज्यसभा नहीं लोकसभा का स्पीकर बनाना है, इसलिए लोकसभा के मेंबर के बीच में से ही लोकसभा का स्पीकर चुना जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब लोकसभा का स्पीकर नॉमिनेट होता है, चूज होता है, इलेक्ट होता है या अपॉइंट होता है? तो ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा स्पीकर को चूज किया जाता है सारे लोकसभा के MPs के बीच में से, ठीक है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एड्रेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू, अगर लोकसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा देना है तो वो किसे देगा? तो डिप्टी स्पीकर जो होंगे लोकसभा को उनको देगा, जैसे कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को रिजाइन देते हैं, वैसे ही स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देता है और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को रेजिग्नेशन देता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं आर्टिकल 326 के बारे में, जहाँ पर आपको एक अमेंडमेंट देखने को मिलेगा, 61st नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें जो वोटिंग राइट्स हैं उनको 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था, ठीक है? तो 18 साल आज के समय में आपको वोट देने का राइट है। वहीं आर्टिकल नंबर 105 में, आर्टिकल नंबर 105 में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब MP होते हैं उनके लिए स्पेशल प्रिविलेजेस की बात की गई है कि इनको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं किया जा सकता, है ना? ऐसे कई सारे प्रिविलेजेस दिए गए हैं आर्टिकल 105 में। कोरम के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, द मेन फंक्शन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ अ पार्लियामेंट इज, अब देखिएगा पार्लियामेंट में कई सारी कमेटी होती हैं, जैसे कि एस्टिमेट कमेटी है, वैसे ही एक होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम क्या होता है? तो सरकार के अपने खर्चे होते हैं और सरकार के खर्चों की ऑडिटिंग करना, सरकार के जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं उनकी ऑडिटिंग करने का काम कौन करता है? कैग करता है, है ना? कॉम्प्टोरल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग की रिपोर्ट को चेक करने के लिए पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाई जाती है और पब्लिक अकाउंट कमेटी अपनी रिपोर्ट को लोकसभा में रखती है। बात समझ में आई? तो कैग की रिपोर्ट को चेक करने का काम पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मेन फंक्शन क्या है, टू एग्जामिन द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट एंड रिपोर्ट टू द कैग। तो कैग की रिपोर्ट को चेक करना पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम होता है, ठीक है? थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हमारी पार्लियामेंट में दो प्रकार की कमेटी है, एक स्टैंडिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी को हम परमानेंट कमेटी भी कहते हैं, और एक होती है एडहॉक कमेटी जो कि टेम्प्ररी कमेटी होती है, किसी एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए उन कमेटीज़ को बनाया जाता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में सबसे पहले हमको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो कि 1919 में हुआ था, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं, वहाँ पर इसके क्रिएशन की बात की गई थी पब्लिक अकाउंट कमेटी की। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं और रिमेनिंग 7 मेंबर जो है वो राज्यसभा से चुने जाते हैं। तो इस तरीके से पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में कोई भी मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं होता है। याद रखना है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो भी चेयरमैन होता है
वो अपोजिशन का लीडर होता है। जैसे कि अभी हम बात करते हैं कि अपोजिशन लीडर अधीर रंजन चौधरी हैं, तो अधीर रंजन चौधरी पब्लिक अकाउंट कमेटी के हेड होंगे। तो याद रखेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो अपोजिशन के लीडर होते हैं, और चेयरमैन कमेटी का अपॉइंट करने का काम लोकसभा स्पीकर करते हैं। 1966 से पहले चेयरमैन जो कमेटी का था वो रूलिंग पार्टी का हुआ करता था, लेकिन 1967 के बाद से एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हुए जो अपोजिशन पार्टी का लीडर होता है उसे पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाते हैं। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंशन सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में मिलता है। 22 मेंबर हैं, 15 लोकसभा के हैं, 7 राज्यसभा के हैं, और इनका जो टर्म होता है वो एक साल का होता है, 1 ईयर के लिए चुने जाते हैं। द रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इज प्रेजेंटेड इन द, पब्लिक अकाउंट कमेटी अपनी रिपोर्ट कहाँ पर प्रेजेंट करती है, तो आंसर हो जाएगा लोकसभा में प्रेजेंट करती है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। हु नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, कौन नॉमिनेट करता है, तो आंसर हो जाएगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन ए। अगली बात करते हैं एस्टिमेट कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द मेंबर ऑफ, तो एस्टिमेट कमेटी जो होती है उसमें कौन से मेंबर होते हैं, दोनों हाउसेस के मेंबर होते हैं, जैसे कि हमारी पब्लिक अकाउंट में थे 22 मेंबर, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, केवल राज्यसभा के मेंबर होते हैं, केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं या इनमें से कोई नहीं, तो एस्टिमेट कमेटी में केवल और केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जॉन मथाई जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने जो पहला बजट पेश कर रहे थे ना 1950 में, तब उनके द्वारा पहली बार एस्टिमेट कमेटी की बात की गई थी, तो उनके ही एडवाइस से पहली बार एस्टिमेट कमेटी को बनाया गया था। इनिशियली एस्टिमेट कमेटी में 25 मेंबर थे, लेकिन 1956 में मेंबर्स की संख्या को इंक्रीज कर दिया गया और प्रेजेंटली एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर्स होते हैं, और 30 के 30 मेंबर केवल लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा का कोई भी रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं होता है। चेयरमैन जो होता है एस्टिमेट कमेटी का, उसको लोकसभा के स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉट एसोसिएटेड विथ, तो मेंबर ऑफ राज्यसभा किसमें एसोसिएटेड नहीं है, एस्टिमेट कमेटी में नहीं है, ऑप्शन दो बिल्कुल सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राष्ट्रपति किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेज, पार्लियामेंट जो है वो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी होती है, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है और पार्लियामेंट जो है वो प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। अगली बात करते हैं जॉइंट सेशन के बारे में, जो कि आपको आर्टिकल 108 में मिलेगा। जॉइंट सेशन बुलाने का अधिकार केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास होता है, लेकिन जॉइंट सिटिंग की जो चेयरमैनशिप होती है वो लोकसभा स्पीकर के पास होती है, तो आप देख ही सकते हैं कि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है एज़ कंपेरिजन टू राज्यसभा। तो यहाँ पर बोला गया है फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, टू पास द बिल रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, टू डिस्कस एंड पास सच अ बिल वेयर बोथ हाउस हैव डिफरेंट ओपिनियन, किस केस में जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, तो केवल और केवल जब किसी बिल पर डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के, तब जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओनली 4। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस द चेयरमैन इज नॉट द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस, तो आंसर हो जाएगा राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट एंड ड्यूटीज, तो कौन सा शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 4 है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं द ऑथोराइजेशन फॉर द विथड्रॉल ऑफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, तो यहाँ पे बात हो रही है कंसोलिडेटेड फंड के बारे में, भारत की संचित निधि जिसे हम कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं, और ये बात आपको आर्टिकल नंबर 266 में देखने को मिलेगी। ठीक है ना, कंसोलिडेटेड फंड में क्या होता है, जितने भी टैक्स पेयर होते हैं, जितना भी रेवेन्यू वगैरह आता है वो कंसोलिडेटेड फंड में आके इकट्ठा होता है, तो भारत सरकार के जो भी खर्चे होते हैं वो डिपेंड करते हैं कंसोलिडेटेड फंड पे, और कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट की ज़रूरत होती है, पार्लियामेंट की परमिशन से ही कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकाले जाते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन अथॉरिटी है विदड्रॉ करने के लिए, तो आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार के फंड है, पहला है संचित निधि जिसको हम कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं, आर्टिकल 266 में है।
नेक्स्ट है कंटिंजेंसी फंड, जिसको हम इमरजेंसी फंड भी कहते हैं, आकस्मिक निधि। इससे पैसे निकालने के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन लगती है, आर्टिकल 267 में डिफाइन है। अगला होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये भी आपको आर्टिकल 266 में देखने को मिलेगा। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट स्पेंड एनी मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड अनलेस एंड अनटिल इट इज़ अप्रूव बाय द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जब तक लोकसभा से परमिशन नहीं मिलती तब तक कंसोलिडेटेड फंड से पैसा खर्च नहीं किया जाता। कंसोलिडेटेड फंड से सैलरीज और पेंशन दी जाती हैं प्रेसिडेंट्स को। प्रेसिडेंट को गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, हाउस ऑफ द पीपल, कैग, ऑल जजेस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, इन सभी के एक्सपेंसेस जो हैं वो कंसोलिडेटेड फंड से ही दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से किसके खर्चे कंसोलिडेटेड फंड पे, भारत की संचित निधि पे भारत नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रेसिडेंट की सैलरी तो दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी भी दी जाती है, स्पीकर लोकसभा की जो होती है उनकी सैलरी भी दी जाती है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड से नहीं दी जाती। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनी बिल हैज़ बीन डिफाइंड अंडर द आर्टिकल। मनी बिल कहाँ पर डिफाइंड है, तो आर्टिकल नंबर 110 में आपको मनी बिल देखने को मिलेगा। अ मनी बिल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टेबल्ड इन द, तो मनी बिल को कहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मनी बिल को राष्ट्रपति की परमिशन से केवल और केवल लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाता है। लोकसभा के पास मनी बिल के रिस्पेक्ट में ज़्यादा पावर है और राज्यसभा के पास बहुत ही मिनिमम पावर होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ये छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, ऑल रेवेन्यू रिसीव बाय द यूनियन गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्सेस एंड अदर रिसिप्ट फॉर द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस आर क्रेडिटेड टू। तो जितने भी टैक्स वगैरह होते हैं वो कहाँ पर इकट्ठे होते हैं, कौन से फंड में इकट्ठे होते हैं, ये बात आपको कमेंट सेक्शन में देनी है विथ आर्टिकल। ठीक है, कि वो फंड जो है वो किस आर्टिकल में मेंशन है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल।